वेलकम टू सोभित अग्रवाल क्लासेस। एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है और ये खबर है यूपी टीईटी से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलती है तो यूपी टीईटी उससे पहले कराया जाता है। तो यूपी टीईटी का पूरा पाठ्यक्रम पूरा जो शेड्यूल है वो सारा जारी कर दिया गया है। देख लीजिएगा शेड्यूल में क्या है। जो पत्र जारी किया है विशेष सचिव ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी के लिए, देख लीजिए। विषय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक अपने, ये पत्रांक नंबर है, दिनांक 16 सितंबर 2021 द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 21-20-21 की परीक्षा तिथि 28 नवंबर 2021 प्रस्तावित करते हुए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम संशोधनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया। संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। अब देख लीजिए विज्ञापन का जो प्रकाशन होगा वो 4-10 को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 7-10 को। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है वो 25-10 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26-10-2021। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 27-10। 26-10 परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की तिथि 26-10। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र का निर्धारण 2/11 को और जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची, छात्र आवंटन सहित हार्ड सॉफ्ट कॉपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाएगा 8/11 को। केंद्रों की जो सॉफ्ट कॉपी है वो NIC लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 9/11। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर लोड करने की तिथि एवं समाचार पत्रों में लोड होने की सूचना 17/11। ये इम्पोर्टेंट डेट है। NIC लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक प्राप्त 19/11। अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की तिथि 24/11। डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र OMR सीट जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि 25/11। अब उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा जो है वो 28/11 को कंडक्ट होगी, दो पाली में। पहली पाली में प्राइमरी का लेवल और दूसरी पाली में उच्च प्राथमिक लेवल। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अब आप समझें कि जो आप पात्रता परीक्षा है ये पहले इसका 5 साल का ड्यूरेशन होता था, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता था सर्टिफिकेट, अब ये लाइफ टाइम कर दिया गया है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिका OMR सीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30/11 को। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि 2/12 और वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला का ऑनलाइन आपत्ति 6/12 और प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित उसके निस्तारण करने की तिथि 22/12। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई वेबसाइट पर डालने की 24/12। विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला का मूल्यांकन करके परीक्षा फल घोषित करने की तिथि 28/12। ये लेटर जारी किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अब एक बात तय है कि जो विज्ञापन है अब दिसंबर में तो नहीं आएगा, अगले साल जनवरी में ही आएगा। उम्मीद ये है कि जो भर्ती है वो इलेक्शन के बाद ही कम्प्लीट होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। दिस इज सोभित अग्रवाल।